चल पड़े हैं दिल में राही लिए कुछ मंजिल है मुमकिन हाँ मुझको है यकीन इंडिया में जो आयुर्वेदा का कल्चर हमारा चल रहा है उसी को आगे लेते हुए हमने आयुष शांति की कैटेगरी को अलग से रखा है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का जो एक फायदा है कि पहले तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट है जड़ों से जो प्रॉब्लम है उसको संभालने के लिए मदद करते हैं, जड़ों से वो प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए मदद करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है फिर से रिपीट ना हो और फिर से हमारे बॉडी को जो वो अनहेल्दी ना बनाए। तो आयुर्वेदा का मीनिंग क्या होता है, तो आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स साइंस और नॉलेज। तो हमारे जीवन का जो ज्ञान होता है, जीवन का जो साइंस होता है, वही हमारे आयुर्वेदा में इंक्लूड किया गया है। पिछले 5000 सालों में से ये आयुर्वेदा का जो कल्चर है वो हमारे पूरे लाइफ में, हमारे पूरे कल्चर में, हमारे इंडिया में इसका इस्तेमाल हम करते आए हैं। तो आयुर्वेदा एक ऐसे कैटेगरी है या ऐसे सप्लीमेंट हम बोल सकते हैं उसको कि आयुर्वेदा के में अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं देते या बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में वो हमारे शरीर में काम करते हैं। तो ऐसे कोई भी केमिकल्स, ऐसे कोई भी चीजें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में नहीं होती है, इसलिए आयुर्वेदा बहुत ज्यादा प्रीशियस माना जाता है। ये स्लोली स्लोली हमारे शरीर के अंदर काम करता है, पर इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो एंड में जो कंक्लूजन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो लाइफ लॉन्ग तक चलता है, वो कभी भी डिसीज को रीजनरेट नहीं करता है, जो एलोपैथी के साथ दिक्कत है कि एलोपैथी के ढेर सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ढेर सारे साइड इफेक्ट होते हैं, वो हमारे बॉडी के साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम लेता है और बहुत सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में वो ला सकता है। तो आयुर्वेदा के साथ ये कोई भी दिक्कतें नहीं है। तो बेसिकली आयुष शांति के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहला प्रोडक्ट हमारे पास आता है ग्लूको हेल्थ। अभी आयुष शांति को समझना बहुत ही आसान है। आयुष शांति के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे आप इसके नाम पढ़ते जाओगे उसके एक्शन के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि नोनी है, स्पाइरुलिना है, फ्लैक्सॉय है, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको बार बार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, उसके एक्शन को आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उसके लिए रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह आते हैं वो पढ़ते रहने पड़ेंगे, तभी जाके वो प्रोडक्ट जल्दी से हमें समझ में आते हैं। पर आयुष शांति के प्रोडक्ट के साथ ही कोई भी दिक्कतें नहीं आती, जैसे आप उसका नाम पढ़ते जाओगे उसके एक्शन के बारे में जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमारा पहला प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ। अगर ग्लूको मतलब क्या है, ग्लूकोज मतलब शक्कर, और हेल्थ मतलब क्या है, आपकी सेहत। तो शक्कर को संभालना है हमें, मतलब हम कौन से डिसीज या डिसऑर्डर से डील करेंगे यहाँ पे, तो हमारे डायबिटीज से। हमें डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, डायबिटीज को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, तो ग्लूको हेल्थ में। तो बेसिकली ग्लूको हेल्थ ये जो सप्लीमेंट है तो डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगी, बहुत अच्छे से आपकी मदद करेगी। तो बेसिकली एक सप्लीमेंट एक डिसीज, एक डिसीज एक सप्लीमेंट, ऐसे आयुष शांति के प्रोडक्ट है। जैसे कि ग्लूको हेल्थ जो है वो आपको डायबिटीज के लिए देना है, प्रोकार्ड जो है आपके हृदय के पेशेंट के लिए देना है, तो एक डिसीज है और एक सप्लीमेंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट वे में जो है ये प्रोडक्ट आपकी मदद करते हैं। तो बेसिकली ग्लूको हेल्थ जो है, पहला हम क्या करेंगे आयुष शांति के प्रोडक्ट को समझने के लिए, इसमें दो तीन चीजें इंक्लूडेड होती है। पहले तो प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के नाम से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा डिसीज में देना है, और दूसरा जो आता है कंटेंट के बारे में, ग्लूको हेल्थ जो है वो किस किस चीजों से बना है, कौन सी औषधि इसके अंदर यूज की गई है, कौन सी मूली है या कौन से कंटेंट को यूज किया गया है। तो ये सारी चीजों को एक वन बाय वन आपके डायरीज में जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे जाके अगर आपके से कोई सवाल करता है कि मैम आपके ग्लूको हेल्थ के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है, तो आप एकदम से बुक खोल सकते हो और वो इंग्रेडिएंट को उनको बता सकते हो। तो ये आसान तरीका होगा आपके सप्लीमेंट को समझने का और वो इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक ट्रांसफर करने का।
हमारा जो ग्लूकोहल था बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या चीजें है? तो इसके अंदर आपको मिलेगा विजयसार, इसके अंदर आपको मिलेंगे विजयसार, सिनेमन, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे गरम मसाले में होती है जो दालचीनी, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद इसके अंदर है हल्दी, जो हमारे घरों में यूज होती है, टर्मरिक या हरिद्रा उसको बोला जाता है। फिर इसके अंदर है आंवला, जो आंवला हम खाते हैं वो इसमें डाला गया है। इसके बाद है गुड़ूची, और इसके बाद है चाय, जो हम चाय पीते हैं तो उसकी जो चाय की पत्ती होती है, ग्रीन लीफ जो होता है चाय के, वो उसमें यूटिलाइज किए गए हैं। तो इसके अंदर टोटल आपको 6 इंग्रेडिएंट मिलेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, तो फिर से आप लिख लीजिए इसको। इसके अंदर है विजयसार, फिर इसके अंदर है सिनेमन, पहला है विजयसार, फिर है सिनेमन, टर्मरिक हल्दी जिसको हम बोलते हैं, आंवला इसके अंदर है, आंवला जिसको बोलते हैं, गुड़ूची है, और चाय। ये 6 इंग्रेडिएंट के साथ हमने हमारा जो ग्लूको हेल्थ है वो बनाया है। तो बेसिकली हमारे पास डायबिटीज के लिए जो भी सप्लीमेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए काम आती है। एक छोटा सा मैं इंट्रो आपको दे देती हूँ कि व्हाट इज डायबिटीज, ये डायबिटीज चीज क्या होती है। तो डायबिटीज ये डिसीज नहीं है, डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। डायबिटीज कोई भी डिसीज नहीं है, तो डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। तो बेसिकली ये जो डायबिटीज डिसऑर्डर, इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि डायबिटीज क्यों होगा, अगर शुगर की मात्रा आपके शरीर के अंदर जितनी चाहिए है उससे ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, तब जाके डायबिटीज में उसका कन्वर्जन होता है। या तो आपके शरीर के अंदर शुगर की मात्रा भी बढ़ रही है, प्लस आपके शरीर के अंदर इंसुलिन जो है वो भी कम होते जा रहा है, तो भी आपके शरीर के अंदर डायबिटीज जो है वो बढ़ सकता है। तो मेनली डायबिटीज के जो 2 टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 क्या है, तो इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए, टाइप 1 में क्या होता है कि टाइप 1 जो है नॉर्मली जेनेटिकली होता है, बाय बर्थ आता है, जिसके अंदर इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं होता, या जो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो ये जो डायबिटीज आपके लाइफ में आएगा, ये लाइफ लॉन्ग तक आपके साथ में रहता है। टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करना somehow थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेडिकल साइंस अभी भी उसके ऊपर काम कर रही है। टाइप 1 में आपको लाइफ लॉन्ग तक जो है इंसुलिन की इंजेक्शन जो है वो लेने पड़ते हैं, इंसुलिन आपके बॉडी में आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेना पड़ता है, ताकि आपके शरीर की जो शुगर लेवल है वो हमेशा कंट्रोल रहे। तो बाहर से इंसुलिन आपको टाइप 1 में लेना पड़ता है। टाइप 1 में है, टाइप 2 जो होता है वो नॉर्मली इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल अगर आपने बिगाड़ दी होगी, आपकी आदतें अगर अच्छी नहीं होगी, आपके खाने के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर अगर बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, तो नॉर्मली टाइप 2 जो है वो आपके बॉडी में आता है। टाइप 2 को जो है वो आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करके, डाइट को मैनिपुलेट करके आप टाइप 2 को इजीली मैनेज कर सकते हो। मतलब आप उस डायबिटीज को जो है रिकवर कर सकते हो। तो टाइप 2 जो है वो हमारी वजह से आता है, तो टाइप 1 जो है वो बाय बर्थ ही हमें मिलता है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन सीक्रेट तो होता है पर हमारे बॉडी को उतने ज्यादा वो सफिशिएंट लेवल तक नहीं मिल पाता। मतलब जैसे कि मान लो मैंने 1 किलो अगर शुगर खाई है दिन भर में, तो बॉडी को 1 किलो तक इंसुलिन सीक्रेट करना चाहिए, पर बॉडी जो है थोड़ी कमजोर हो जाती है, इंसुलिन उतना लेवल तक वो सीक्रेट नहीं कर पाती, प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे जो सप्लीमेंट है ज्यादातर टाइप 1 के ऊपर मदद आपकी नहीं कर सकते, पर टाइप 2 के ऊपर वो बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको दे सकते हैं, अगर आपने सप्लीमेंट टाइम पे ली होगी, क्वांटिटी उसकी अगर आपने मेंटेन की होगी, और आपके लाइफस्टाइल को अगर आपने गुड मैनर में, पॉजिटिव वे में अगर आपने चेंज किया होगा। तो वैसे ही हमारा जो ग्लूको हेल्थ है वो आपकी मदद कैसे करता है। तो ग्लूको हेल्थ की जो पहली एक्शन है, पहला तो आपके ब्लड शुगर लेवल को वो कंट्रोल करता है। आपके खून में आपके
ब्लड में जो शुगर एकदम से हाई होने लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहला तो ये मदद करता है। दूसरा आपके सेल्स जो होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको वो मजबूत करता है ताकि शुगर लेवल फिर से कंट्रोल में रहे। थर्ड इम्पोर्टेंट, आपका जो इंसुलिन है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आपके पैंक्रियास से। पैंक्रियास में होते हैं बीटा सेल्स, तो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस से आपका इंसुलिन जो है वो सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोहल क्या करता है, वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो उसके सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। पर अगर कंप्लीट इंसुलिन नहीं होता प्रोड्यूस तो वहां पे वो कुछ भी मदद आपकी नहीं कर पाएगा। इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है पर इतने लेवल तक नहीं हो पाता, तो लेवल को बढ़ाने के लिए तो मदद करेगा पर एकदम वो जीरो लेवल पे आ गया होगा तो वो कैसे काम करेगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली ग्लूकोहल क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल में लेवल को कंट्रोल करेगा। दूसरा आपके इंसुलिन सिक्रीशन को ये मैनेज करेगा ताकि डायबिटीज को कंट्रोल रहने के लिए ये आपकी मदद करे। तो आई होप कि आपको डायबिटीज ग्लूकोहल जो है एक्शन इसकी समझ में आ गई होगी। इसमें ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए दिमाग के ऊपर, बस आपके दिमाग में इतना ही फिट होना चाहिए कि डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। शुगर तो आपके शरीर के अंदर चाहिए होती है बॉडी को, पर अगर उसकी लेवल ज्यादा हो गई तो आपके बॉडी में तकलीफ हो सकती है। जैसे कि हम रूटीन भाषा में बात करेंगे ना तो कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, तो कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम बहुत हाइपर होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि कुछ तो बैलेंस होना चाहिए, मीठी बातें भी नहीं चाहिए ज्यादा और ज्यादा गुस्सा भी नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर शुगर की लेवल ज्यादा बढ़ती भी चली गई तो भी दिक्कत है, और एकदम से घटती चली गई तो भी दिक्कत है। तो हमेशा जो शुगर है वो कंट्रोल में रहना जरूरी है। तो शुगर को कंट्रोल करना और ब्लड शुगर लेवल को राइज ना होने देना और इंसुलिन सिक्रेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको ग्लूकोहल जो यहाँ पे मदद करता है। इसके बाद आपने अगर देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है, उनको हर एक एक घंटे में डेढ़ डेढ़ घंटे में उनको बहुत भूख लगती है, और अगर उनकी भूख ज्यादा बढ़ती चली गई तो उनको शिवरिंग भी होती है, बहुत ज्यादा हाथ पैर जो उनके कांपने लगते हैं, चक्कर आ सकती है, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोहल का और एक आपको फायदा मिलेगा कि वो आपके एपेटाइट को, आपके भूख को जो है वो कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल मैनर में रखते हैं ताकि आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहे और उनका बॉडी वेट जो है वो भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे ये मदद करता है। ग्लूकोहल हमेशा आपको 14 साल के बाद ही शुरू करना है, 2 कैप्सूल के साथ शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम शुगर ज्यादा बढ़ती नहीं है पर 130 140 तक है तो आप 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो। पर जिनकी शुगर जो है बहुत ज्यादा है, 200 है, 300 है, 400 है, अगर बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे आपको जो है डोज को डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट बॉडी की ज्यादा है तो आप डोज को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 2 कैप्सूल से शुरुआत कर लो, पर 2 कैप्सूल साथ में लेनी है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट के पहले ले ली, पर शुगर ज्यादा है तो लंच से पहले भी ले सकते हो, डिनर से पहले भी ले सकते हो, क्योंकि खाने में से ही शुगर आपके बॉडी के अंदर ज्यादा आती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लूकोहल जो है 14 साल से शुरू करना है, 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है, 100 साल है, 120 है, आप कभी भी एज में दे सकते हो। हम आपको बस स्टार्टिंग एज बताते हैं कि कब से आपको ये शुरुआत करना है, एंड जो है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जब तक आपके शुगर को कंट्रोल रखना है तब तक आप इसको ले सकते हो, जब तक आपको हेल्दी रखना है तब तक आप सप्लीमेंट ले सकते हो। तो ये डिसीजन आपका होगा कि मुझे कब तक सप्लीमेंट जो है वो लेनी है, पर कम से कम 3 महीना तो कोई भी सप्लीमेंट आपको लेना कंपलसरी है ताकि वो बॉडी के साथ इजीली एडजस्ट हो जाए और फ्यूचर में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ना आए। ग्लूकोहल कंपलसरी खाना खाने से पहले ही लेना है, ग्लूकोहल कंपलसरी खाने से पहले लेना है, कभी भी इसको खाना खाने के बाद में मत लीजिए।
ग्लूकोज कंपलसरी खाना खाने से पहले, क्योंकि आपकी फास्टिंग शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मतलब खाना खाने से पहले आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो वो फिर आफ्टर मील वाली जो शुगर है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना है, इसलिए खाना खाने से पहले ही इसको लेना है। जैसे कि मान लो मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया है जिनकी शुगर लेवल फास्टिंग 300 है, मतलब खाना खाने से पहले 300 है, खाना खाने के बाद 500 या 600 है, तो मैं ग्लूकोज का डोज कितना दूंगी? तो वो होगा सुबह 2, दोपहर को 2 और शाम को 2, मतलब ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले और रात को खाने से पहले। ठीक है, ये हो गया आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए। अभी यहाँ पे सवाल आ रहा है कि मैम हम तो डायबिटिक नहीं है तो क्या हम इसको ले सकते हैं? तो आप ले सकते हो, पर इसको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस साल में 3 महीना लेना है, साल में 3 महीना लेना है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, हमारे खाने में शुगर का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए बस साल में 3 महीना आपको लेना है। 2 कैप्सूल ही लेनी है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, खाना खाने से पहले देना है। यहाँ पे और एक सवाल आया है कि मैम लो शुगर केस में क्या हम इसको दे सकते हैं? ये सब लो शुगर लेवल में भी दे सकते हो अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी क्रिएट हो गई है, पर जब भी आप उनको ग्लूकोहल दोगे पहले तो ज्यादा क्वांटिटी में मत दीजिए, और उनको गुड़, हनी, शहद जो होता है वो ज्यादा खिलाइए, ताकि उनके बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहे। देखो कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हो, ये पोषण है, ये एक न्यूट्रिशन है, तो कभी भी आपको एलोपैथी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। अगर किसी ने इंसुलिन उनका चल रहा है तो उसके साथ में आपको लेना है, एकदम से कोई भी चीज बंद नहीं करनी जब तक आपका डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि सप्लीमेंट को काम करने के लिए टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बॉडी में काम करता है, और ऑलरेडी अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी तो उसको मैनेज करने के लिए एलोपैथी ही ज्यादा मदद करती है। पर एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा आपके शरीर के ऊपर डैमेज ना करे, उसको वो डिसबैलेंस ना करे, तो उसको मैनेज करने के लिए सप्लीमेंट आपकी मदद करती है। तो कभी भी एलोपैथी बंद नहीं करनी है जब तक आपके डॉक्टर आपको ये सजेशन नहीं देते हैं। लोगों ने ये गलती कर रखी है तो प्लीज डोंट डू दिस, ये बड़ी प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। तो एलोपैथी के साथ साथ ही आपको सप्लीमेंट वहां पे लेनी है। माइट पे देर आर चांसेस कि आपके फ्यूचर में मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दे, उसका डोज कम हो जाए, इंसुलिन का डोज कम हो जाए, ये आपको वहां पे चेंजेस दिखेंगे, पर एकदम कोई भी एलोपैथी बंद आपको नहीं करनी है जब तक आपके डॉक्टर आपको ये सजेशन नहीं देते हैं। जो भी लोग डायबिटिक है प्लीज वो एक्सरसाइज करते रहे, योगा ज्यादातर करिए, ताकि उनकी शुगर लेवल नॉर्मल रहे, और उनका जो मेंटल हेल्थ है, जितना वो मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, उतना उनका इंसुलिन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, और उनके ब्लड शुगर लेवल को भी वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव माइंड रखिए और मेंटली आप बहुत ज्यादा ठंडे और स्टेबल रहिए, ज्यादा चिड़चिड़ मत कीजिए। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने के लिए प्रोत्साहित करता है तो उनसे आप दूर रहिए, आपकी हेल्थ है जो आपकी को संभालनी है, तो पॉजिटिव रहिए, ज्यादा इरिटेट मत होइए, डिप्रेस मत होइए, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहिए और स्टेबल रहिए। ये जो ग्लूकोहेल्थ है, वापस रिपीट करती हूँ, इसका डोज ग्लूकोहेल्थ हमेशा खाना खाने से पहले लेना है। शुगर लेवल ज्यादा है, दिन में 3 टाइम लीजिए, 2 कैप्सूल, मतलब टोटल 6 कैप्सूल। अगर शुगर लेवल इतनी ज्यादा नहीं है, 150 है, 160 है, तो 2 कैप्सूल से आप शुरुआत कर सकते हो, पर कंपलसरी खाना खाने से पहले ही आपको लेना है। 14 साल के बाद जो है आप इसको शुरुआत कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। आई होप कि आपको ग्लूकोहल जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन आप जो है चैट बॉक्स में इसको टाइप कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है, ये सप्लीमेंट है, वो है प्रो कार्ड। बहुत आसान प्रोडक्ट है, प्रो मीन्स प्रोडक्ट एंड कार्ड मीन्स कार्डियो, जो प्रो एक्टिवली आपके हार्ट के ऊपर काम करता है। कार्ड कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट, आपका हृदय, तो आपके हृदय को अच्छा करने के लिए यहाँ पे प्रोकार जो है वो आप दे सकते हो। तो ये जो
प्रोकार्ड है, अभी हृदय से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पर इसके पहले हम क्या करेंगे, जैसे ग्लूकोहेल्थ के इंग्रेडिएंट हमने लिख लिए थे, वैसे हम यहाँ पे प्रोकार्ड के इंग्रेडिएंट जो है वो लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें है, प्रोकार्ड के अंदर है अर्जुना, प्रोकार्ड के अंदर है अर्जुना, दूसरा है अश्वगंधा, दूसरा है अश्वगंधा। ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, ये फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, ये टाइम फिर से आने वाला नहीं है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सारी चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। इसके अंदर है अर्जुना, दूसरा इसके अंदर है अश्वगंधा, अश्वगंधा, फिर इसके अंदर है गार्लिक लहसुन, गार्लिक लहसुन, इसके अंदर है गुल, गुगुल, इक्षु शुगर केन, इक्षु शुगर केन। तो इसके अंदर टोटल आपको 5 इंग्रेडिएंट मिलेंगे, पहला है अर्जुना, दूसरा है अश्वगंधा, तीसरा है गार्लिक, चौथा है गुगुल और इक्षु मतलब शुगर केन। तो बेसिकली प्रोकार्ड आपके शरीर के ऊपर काम कैसे करता है, तो प्रोकार्ड जो है बेसिकली ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को पहला तो मैनेज करता है, क्योंकि आपके हृदय की जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी शुरुआत कब होगी, अगर आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसबैलेंस होगा, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल घटता जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाता है। तो प्रोकार्ड जो है आपके लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है। दूसरा ये आपके शरीर के अंदर जो है गुड फैट के लेवल बढ़ाने के लिए मदद करा है, आपके शरीर के अंदर गुड फैट के लेवल को बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है, ब्लड जो घूमता रहता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन की जो सिस्टम चलती है, तो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसके बाद अगर किसी को हार्ट में कमजोरी होगी, हार्ट अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी आपको ये मदद करता है एज अ कार्डियोटॉनिक, मतलब आपके हार्ट बीट्स को नॉर्मल करेगा, आपके हार्ट की फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब चल रही है तो उसको भी अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद जो है तो बेसिकली जैसे ही आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम मिले तो उसके लिए आपके प्रोकार्ड जो है वो सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत राइज होता है या किसी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर को जो है मैनेज करने के लिए आपकी मदद करता है, तो वहां पे प्रोकार्ड आप सजेस्ट कर सकते हो। बस एक ही ध्यान हमें रखना है, अगर किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका होगा, हार्ट की सर्जरी अगर किसी की हुई है, तो सर्जरी के इंस्टेंटली बाद कोई भी सप्लीमेंट शुरुआत नहीं करनी है, सर्जरी के बाद 6 महीने का एटलीस्ट गैप आपको रखना है, और अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो ही आप सप्लीमेंट जो है वो शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि एक बार हार्ट अगर आपका ऑपरेट होता है, हार्ट में अगर कोई सर्जरी होती है, उसके बाद बॉडी में डिसबैलेंस ही आ जाती है, आपका डाइजेशन कमजोर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान वहां पर रखना है कि सर्जरी के इंस्टेंटली बाद आपको कोई भी सप्लीमेंट जो है वो शुरुआत नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वहां पे आपको रखना है। तो जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम दिखेगी, सर्जरी नहीं हुई है, आप प्रोकार्ड के साथ शुरुआत कर सकते हो, और अगर सर्जरी हो चुकी है तो आपको थोड़ा सा रुक के और उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट जो है वो सजेस्ट करनी है। तो प्रोकार्ड जो है बेसिकली आपको 14 साल के बाद जो है वो शुरुआत करना है, 14 साल के बाद आफ्टर 14 इयर्स आप प्रोकार्ड की शुरुआत कर सकते हो। इसका डोज क्या होगा, तो इसका आइडियल डोज है 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद में, 2 कैप्सूल दिन भर में खाना खाने के बाद, आप एक एक करके भी ले सकते हो या 2 एक साथ भी ले सकते हो, या अगर आपको लगता है कि मैम ब्लॉकेजेस ज्यादा हो गए है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, तो आप डोज को जो है बढ़ा सकते हो, बाकी इसका जो बेसिक डोज होगा वो होगा 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद में। यह हल्का सा गर्म आपको महसूस हो सकता है, जिनके बॉडी के अंदर हीट बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पे प्रोकार्ड के साथ जो है आंवला और एलोवेरा,
आंवला और एलोवेरा को कंबाइन कर सकते हो ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे और बॉडी में ज्यादा गर्मी ना पड़े। तो आई होप कि आपका प्रोकार्ड जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम आपको दिखती है तो वहाँ पे आप प्रोकार्ड जो है वो सजेशन जो है दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड प्रेशर कम भी होगा तो भी आप दे सकते हो, ज्यादा होगा तो भी आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। दोनों कंडीशन में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आपकी मदद करता है। जैसे कि कोई भी, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना, ये एक एक सप्लीमेंट्स के बारे में देख रहे हैं। आप यहाँ पे फैट्स ऑयल कंबाइन कर सकते हो, क्रिल ऑयल कंबाइन कर सकते हो, कोएंजाइम Q10 दे सकते हो, LRG9 दे सकते हो। अभी हम एक एक प्रोडक्ट के वाइज जा रहे हैं, डिसीज और डिसऑर्डर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में जा रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे दे सकते हो। अभी अगर आपने सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से लिखा होगा ना, तो इसका फायदा आपको कैसे होगा? जैसे कि मान लो मैम, आपने बोला था कि मैम फ्लैक्स भी हार्ट के ऊपर काम करता है, कोएंजाइम भी हार्ट के ऊपर काम करता है, क्रिल भी हार्ट के ऊपर काम करता है। तो जो 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 प्रोडक्ट आपके हार्ट के ऊपर काम करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को मिला दो तो एक कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है आपके हार्ट के प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जहां जहां जो जो प्रोडक्ट आपके मेनली ऑर्गन्स के ऊपर काम करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को क्लब करके आपका कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। तो प्रोकार 14 साल के बाद देना है, कम से कम 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप इसको दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो है आपका टॉक्स क्लीन। तो बेसिकली इसके नाम में इसका काम है, टॉक्स मतलब क्या है, टॉक्सिंस मतलब गंदगी, कोई इंफेक्शन हो सकता है, कोई कचरा हो सकता है, तो टॉक्सिंस। क्लीन मतलब साफ सफाई, टॉक्सिंस को साफ करना है, टॉक्सिंस को निकालना है, टॉक्सिंस को क्लीन करना है। तो इसके लिए आप जो प्रोडक्ट दोगे वो होगा टॉक्स क्लीन। बहुत आसान प्रोडक्ट है। टॉक्स क्लीन के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है तो वो आप लिख लीजिए। तो उसके अंदर है त्रिफला, उसके अंदर है त्रिफला, दूसरा इसके अंदर है नीम, दूसरा इसके अंदर है नीम, तीसरा है हल्दी, मतलब आपकी जो कर्क्यूमिन होता है आपका हल्दी जो हम घर में यूज करते हैं, फिर इसके अंदर है चिरेटा, चिरेटा, फिर इसके अंदर है स्वर्णपत्री, स्वर्णपत्री, मिर्चा, मिर्चा। तो टोटल 6 इंग्रेडिएंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसके अंदर है त्रिफला, नीम, हल्दी, चिरेटा, स्वर्ण पत्री, मिर्चा। त्रिफला, नीम, हल्दी, चिरेटा, स्वर्ण पत्री एंड मिर्चा, तो टोटल 6 इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो बेसिकली आपके बॉडी को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मदद करते हैं। अभी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट है, पर अगर आपने देखा होगा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उसके एक्शन के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको सही से पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे हमें सजेस्ट करना है। जैसे कि टॉक्स क्लीन है वो कहाँ से गंदगी को निकालेगा, ये जो टॉक्स क्लीन है वो कहाँ से गंदगी को निकालेगा, तो टॉक्स क्लीन जो है वो आपके ब्लड से गंदगी को निकालेगा। टॉक्स क्लीन जो है वो आपके ब्लड से, खून से गंदगी को निकालेगा, आपके लीवर से गंदगी को निकालेगा, आपके लीवर से गंदगी को निकालेगा और आपके पेट से गंदगी को निकालेगा। तो टॉक्सिन कहाँ कहाँ से गंदगी निकालेगा, आपके खून में से, आपके लीवर में से और आपके पेट में से गंदगी को निकालेगा। तो जिनको भी एक्ने बहुत होता है, पिंपल बहुत होते हैं, स्किन एलर्जी बहुत होता है, लीवर में इंफेक्शन है कहीं पे, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, डायरिया है, तो ये सारे केसेस में आप टॉक्सिन जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम जो आपके पेट से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है, तो ये 3 ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए, 3 चीजों को साफ करने के लिए टॉक्सिन मेनली आपकी मदद करता है। तो बेसिकली जो टॉक्सिन है वो देना कितना है, तो एक एक एक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गंदगी आपके शरीर के अंदर आती है
डाइजेशन को भी खराब कर सकता है, आपके ब्लड को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए खाने से पहले या खाने के बाद आप कभी भी ले सकते हो, एक्चुअली इसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर बेटर होगा कि आप इसको खाने से पहले लीजिए ताकि अच्छे से आपकी बॉडी जो वो क्लीन हो जाए, और इसके बाद जो आप खाना खाओगे उसमें से जो पोषण आपको मिलेगा वो सही से आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी मदद मिलेगी। तो एक 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 दिन में 3 कैप्सूल लेना है, खाने से पहले या बाद में आप इसको कभी भी ले सकते हो। 14 साल के बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, 14 साल के बाद जो है आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट कवर अप किए हैं, बचे हैं 4 प्रोडक्ट जो हम 2:05 को हमारा जो दूसरा सेशन शुरू होगा उसमें हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी है ये 3 प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप प्लीज यहाँ पे लिख लीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। अच्छा, वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है ये हमने बनाया है। अभी यहाँ पे वाइटल कॉम्प्लेक्स से फायदा क्या होता है, तो वाइटल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे मिक्सचर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ग्रुप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। वाइटल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको टोटल 8 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। अभी ये एंटीऑक्सीडेंट चीज क्या होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं बेसिकली आपकी सेल्स के ऊपर, आपके कोशिकाओं के ऊपर काम करते हैं। हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, उसमें से ढेर सारे टॉक्सिन्स जो है, गंदगी जो है आपके शरीर के अंदर आ जाती है, और वो ज्यादातर कहाँ स्टोर होती है, तो वो आपकी कोशिकाओं में, आपके सेल्स में। तो ये आपकी जो सेल्स की गंदगी होती है या आपकी कोशिकाओं की जो गंदगी होती है, जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है उसको क्लीन करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन शॉर्ट हमारे घर में जैसे झाड़ू होती है ना कचरा निकालने के लिए, तो वैसे हमारे कोशिकाओं का कचरा निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एंटीऑक्सीडेंट का और एक फायदा है कि आपके कोशिकाओं को, आपके सेल्स को मजबूत करने के लिए भी यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपकी मदद करते हैं। अभी आप क्या करोगे, 2 कॉलम बनाओगे, एक में लिखोगे सोर्स, मतलब ये हमने कहाँ से एंटीऑक्सीडेंट लिया है और वो एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है। तो पहला यहाँ पे जो सोर्स है, मतलब पहला हमने जो लिया है वो है आंवला। आंवला से हमें कौन सा एंटीऑक्सीडेंट मिला है, तो वो है विटामिन सी। आंवला से हमें मिला है विटामिन सी। द्राक्षा अंगूर जो आप ग्रेप्स खाते हो, द्राक्षा से हमें मिला है पॉलीफेनॉल्स। द्राक्षा से हमें मिले हैं पॉलीफेनॉल्स। चाय जो होती है हमारी, ग्रीन लीफ जो होती है, चाय पत्ती जो होती है, उससे हमें मिले हैं फ्लेवोनॉइड्स एंड कैटेचिन्स। फ्लेवोनॉइड्स एंड कैटेचिन्स। कैरेट मतलब गाजर जो है उससे हमें मिले हैं कैरेटिनॉइड्स एंड विटामिन ए। गाजर से हमें मिला है कैरेटिनॉइड्स एंड विटामिन ए। इसके बाद है दसपुत्ती। दसपुत्ती जैसे काला नमक होता है वैसे कुछ हमें ये दिखता है, तो काला नमक जो है, दसपुत्ती जो है, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत होती है। इसके बाद है झंडू, गेंदे का फूल, जो ऑरेंज फूल आता है जो हमारे भगवान को भी हम चढ़ाते हैं, गेंदा फूल जिसको बोलते हैं, उससे हमें मिला है ल्यूटीन एंड जियाजैंथिन। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, पहला है आंवला, आंवला से हमें मिला है विटामिन सी, आंवला से हमें मिला है विटामिन सी। द्राक्षा अंगूर ग्रेप्स जो हम खाते हैं उससे हमें मिले हैं पॉलीफेनॉल्स, पॉलीफेनॉल्स। चाय से हमें मिला है फ्लेवोनॉइड्स और कैटेचिन्स। चाय से हमें मिला है फ्लेवोनॉइड्स एंड कैटेचिन्स। कैरेट गाजर से हमें मिले हैं विटामिन ए और कैरेटिनॉइड्स, विटामिन ए एंड कैरोटिनॉइड्स। दसपुत्ती से हमें मिला है, ये दसपुत्ती जो है एक मिनरल होता है, एक पत्थर जैसा होता है, उससे हमें हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत रहती है। इसके बाद है झंडू, गेंदा फूल, इससे हमें मिले हैं ल्यूटीन
एंड जियाजेंटिन, ल्यूटिन एंड जियाजेंटिन। आई होप सभी लोगों ने ये चीजें नोट डाउन की होगी। और प्लीज मुझे आप एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज आपको आ रही है, एम आई ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? ओके, आई गेस आपके टीममेट्स को यहाँ पे कुछ कुछ लोगों में आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज आपके टीम में या व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपका होगा तो उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में एक आपको ऑडियो का ऑप्शन होगा तो उसको ऑन कर दीजिए, उसको डिसेबल टू ऑल डिवाइसेस कर दीजिए, तभी जाके मेरी आवाज आपको क्लियर आ जाएगी। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो बेसिकली आप सारे लोगों ने यहाँ पे ये सोर्सेस एंड एंटीऑक्सीडेंट लिखे होंगे। अभी बेसिकली इसका काम क्या है, तो ये आपके इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को जो है वो मजबूत करता है, थकावट को कम करता है, स्टैमिना को बिल्डअप करता है, और जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है जैसे कि आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या स्किन एलर्जी है कोई, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है उसको कम करने के लिए वाइटल कॉम्प्लेक्स बहुत नेसेसरी होता है। ये आपके वेट को भी मैनेज करता है, आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गंदा फैट होता है, उसको भी निकालने के लिए वाइटल कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी होता है। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज है जो आपको रोजाना लेनी है। वाइटल कॉम्प्लेक्स जितना आप इसको रोजाना लेते रहोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो हमेशा मजबूत रहेगी। तो वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से फायदा करेगा। अब ये जो वाइटल कॉम्प्लेक्स है इसका डोज क्या होगा, तो एक एक एक, सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक, एक 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 खाना खाने से पहले, एक 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 खाना खाने से पहले, हर खाने से पहले आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है वो लेना है, ताकि खाना खाते वक्त डाइजेशन की कोई इश्यू ना हो, कोई बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर ना जाए, और आपके बॉडी की डाइजेशन मेटाबॉलिज्म वो अच्छा करने के लिए आपकी मदद करेंगे। लो शुगर में भी दे सकते हो, लो बीपी में भी दे सकते हो, थायराइड में भी दे सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हर एक कंडीशन में जो है वो आप ये रेकमेंड कर सकते हो। 14 साल के बाद आपको ये लेना है, 2 से 3 बार आपको दिन में लेना है, कम से कम 2 बार लीजिए, 2 से 3 बार आप दिन भर में इसको ले सकते हो। पर रोजाना अगर आप वाइटल कॉम्प्लेक्स खाते हो तो बहुत अच्छे फायदे आपको स्किन के ऊपर भी मिलेंगे, बालों के ऊपर भी मिलेंगे, और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए भी आपकी मदद करता है। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज रेस्पो केयर। बहुत इजी है ये, रेस्पो मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक, केयर मतलब संभालना। तो आपके रेस्पायरेशन को अच्छा करने के लिए, उसको संभालने के लिए यहाँ पे रेस्पो केयर जो है वो आपकी मदद करता है। तो बेसिकली रेस्पायरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है, जैसे कि कंजेशन हो जाता है आपके फेफड़ों में, या ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसे भारीपन आ गया है, गले में खराशे हो रही है, बहुत ही ज्यादा बलगम या तो कफ बन रहा है, गले में सूजन आई है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम है, या गले में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एकदम से भारी सांस हो जाती है, एकदम से हल्की हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अगर ये कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे रेस्पो केयर आपकी मदद करेगा। तो मुंह में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई प्रॉब्लम है, या आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अच्छा करने के लिए यहाँ पे आपको रेस्पो केयर जो है वो मदद करेगा। कफ बार बार होता है, कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, या जो लोग हाईली पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, या अगर आपने देखा होगा धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है आजू बाजू में, या कोई केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करता है, तो उनकी रेस्पिरेशन ट्रैक जो है वो खराब हो सकती है, या अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है तो उसकी वजह से भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो खराब हो सकता है, तो इसके लिए भी आप रेस्पो केयर जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर है कनकारी, इसके अंदर है कनकारी, गिलोय,
वसा खा तुलसी तुलसी पीपली पीपली सौंठ सौंठ है यहाँ पे जिसको जिंजर भी बोलते हैं अदरक बोलते हैं और काली मिर्च ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो बेसिकली इसके अंदर आपको टोटल 7 इंग्रेडिएंट मिलेंगे। पहला है कनकारी गिलॉय वसाखा तुलसी पीपली सौंठ और काली मिर्च। तो बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपका रेस्पोकेयर जो है वो बना हुआ है। तो रेस्पोकेयर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके शरीर के अंदर जो भी बलगम होता है जो भी गंदा म्यूकस फॉर्म होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो आपके कफ में दे सकते हो अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है उनके लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। अगर किसी को आपके फेफड़ों में लंग्स में अगर इन्फेक्शन है उसके लिए भी आप रेस्पोकेयर जो है वो सजेस्ट कर सकते हो। रेस्पोकेयर कब देना है? तो रेस्पोकेयर आपको 14 साल के बाद देना है। रेस्पोकेयर जो है वो 14 साल के बाद देना है खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद 2 कैप्सूल से आप शुरुआत कर सकते हो। 2 कैप्सूल से आप शुरुआत कर सकते हो और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप डोज को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हो। प्रॉब्लम अगर ज्यादा है तो डोज को डबल या ट्रिपल भी आप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो हल्के गर्म होते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक होते हैं नेचुरल होते हैं। तब इसके साथ आंवला एलोवेरा है या अगर आपने देखा स्पाइरुलिना जो है वो ठंडा है तो आप उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पानी ज्यादा पीजिए ताकि ज्यादा इसकी गर्मी जो है वो आपको महसूस ना हो। खाना खाने के बाद में ही देना है, खाना खाने के बाद में ही देना है। इसके आगे हमारे पास है लीवर हेल्थ। जो आपको लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, लीवर में इन्फेक्शन है अगर, जैसे कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, या लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए जो लीवर से रिलेटेड है, या अगर किसी को जॉइंटिस हो चुका है उसके लिए भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अगर किसी को जॉइंटिस है या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लीवर के ऊपर फैट जम गया है, लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, तो सारे कंडीशन में जो है वो आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अभी इसके अंदर चीज़ें क्या क्या है, तो लीवर हेल्थ के अंदर आपको मिलेगा सीरेटा सीरेटा कुटुका अक्षा एंड भटकैया। तो बेसिकली ये लीवर के जो इंग्रेडिएंट है ये काम कैसे करते हैं, तो पहला जो भी लीवर के सेल्स खराब हो चुके हैं डैमेज हो चुके हैं उसको ये इम्प्रूव करते हैं। जो भी लीवर में सूजन आती है स्वेलिंग की प्रॉब्लम आती है उसको ये कम करते हैं। अगर लीवर के ऊपर कोई डैमेज हो चुका है, रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो चुकी है खराब हो चुकी है उसको अच्छा करेगा। लीवर में कोई इन्फेक्शन है उसको क्लीन करेगा। फैटी लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम करेगा। और लीवर से रिलेटेड लीवर के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको भी अच्छा करने के लिए ये मदद करता है। तो लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो है वो आप लीवर हेल्थ सजेस्ट कर सकते हो। लीवर हेल्थ कब देना है, इसका डोज क्या होगा? तो लीवर हेल्थ जो आपको 14 साल के बाद देना है, एटलीस्ट 2 कैप्सूल, कम से कम 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद में। अभी ऐसे भी सवाल आता है कि मैम अभी तो कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं है पर फ्यूचर में तो हो सकती है, तो आप एज अ प्रिकॉशन बेसिस भी आप इसको ले सकते हो। बस साल में 3 महीना ले लो, ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। साल में अगर 3 महीना भी लेते हो तो प्रिकॉशन बेसिस पे ये आपके बॉडी के ऊपर काम करेगा। खाना खाने के बाद ही लेना है, साल में 3 महीना प्रिकॉशन। इसके अंदर आपको मिलेगा आमला वरुण गोक्षुर पश्चभेड़ा
इलॉय, भूमि आमला एंड श्वेत पर्पती। तो बेसिकली ये जो किडनी हेल्थ है ये आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, देखो जैसे कि किडनी में किडनी स्टोन हो जाता है तो ये किडनी हेल्थ जो है स्टोन ब्रेकर का काम करेगा। किडनी में जो स्टोन होता है तो स्टोन को ब्रेक करके यूरिन के मार्फत शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा और वापस स्टोन ना बने इसके लिए भी वो मदद करता है। इसके बाद अगर किसी को यूरिन की फ्रीक्वेंसी में दिक्कतें आती है, यूरिन अच्छे से फॉर्म नहीं होती है तो उसके लिए भी ये मदद करता है। अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है किडनी में, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, उसके लिए भी ये आपकी मदद करेगा। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ी है, तो क्रिएटिनिन लेवल अगर बढ़ी होगी, यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ी है तो उसके लिए भी वो नॉर्मल करने के लिए ये आपकी मदद करता है। तो किडनी से रिलेटेड, आपके किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको अच्छा करने के लिए ये आपकी मदद करता है। सिर्फ डायलिसिस कंडीशन में देना नहीं है, डायलिसिस कंडीशन में जो है आपकी सारी जो डाइट है, फ्लूइड है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो डायलिसिस कंडीशन के लिए आपको ये देना नहीं है, डायलिसिस कंडीशन के लिए आपको ये देना नहीं है। बाकी किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको आप ये रेकमेंड कर सकते हो। किडनी हेल्थ जो है वो आपको 18 साल के बाद देना है, आफ्टर 18 इयर्स। किडनी हेल्थ जो है वो आपको आफ्टर 18 इयर्स 18 साल के बाद ही देना है। मिनिमम 2 कैप्सूल से शुरुआत कर सकते हो। स्टोन अगर ज़्यादा है, 20 mm का है, 22 mm का है, 18 mm का है, तो उसको डबल या ट्रिपल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं किडनी स्टोन के केसेस में, क्रिएटिनिन के केसेस में।